हेलो एवरीवन, ये एग्जांपल्स जो है इसमें हमें जो एरे है उसमें से हमें लार्जेस्ट नंबर को आइडेंटिफाई करना है जिसमें आप फॉर लूप और लॉजिकल ऑपरेशंस एग्जीक्यूट करोगे। सो एग्जांपल में मूव करते हैं। सो एग्जांपल एज इट इज रिटन दैट प्रोग्राम इट इज रिटन टू फाइंड आउट लार्जेस्ट एलिमेंट फ्रॉम द गिवन एरे। सो हमारे पास एक वेरिएबल है रिकॉर्ड, इसमें हमारे पास एक रैंडम वैल्यूज अवेलेबल है। आई विल सेट 10, 4, 30, 45, 90 एंड लेट्स से 5। सो अगर आप ये एग्जांपल में चेक करोगे, सो वी हैव रैंडम वैल्यूज इन रिकॉर्ड एंड हियर द लार्जेस्ट नंबर इज 90। बट यूजिंग फॉर लूप एंड सम लॉजिकल ऑपरेशन वी हैव टू चेक विच नंबर इज लार्जेस्ट। सो रन करते ये एग्जाम्पल को विद कंसोल के साथ। तो यहाँ पे अगर आप चेक करोगे, सो एरेज में टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज जो अवेलेबल है दैट इज 6। सो हमें फर्स्ट आइडेंटिफाई करना होगा सी कि हमारा लार्जेस्ट नंबर जो है वो क्या है। सो वी हैव टू कंपेयर विथ लोएस्ट नंबर। सो लेट्स से हमारा जो लोएस्ट नंबर है वो हम लोग यहाँ पे कंसिडर करते हैं। सो लेट्स से आर लोएस्ट नंबर और लेट्स से द वैल्यू विच इज लोएस्ट इन जावा स्क्रिप्ट। सो एक वेरिएबल जनरेट करते हैं, मैक्स वैल्यू इन जावा स्क्रिप्ट राइट नाउ दैट इज माइनस इन्फिनिटी। ये जावा स्क्रिप्ट में एक कीवर्ड है। सो कंसिडर करते हैं कि हमारा जो मैक्सिमम वैल्यू है बाई डिफॉल्ट इन जावा स्क्रिप्ट जो है दैट इज माइनस इन्फिनिटी एंड देन वी हैव टू कंपेयर दिस वैल्यूज वन बाय वन। और अगर इसमें से कोई भी अगर वैल्यू ये माइनस इन्फिनिटी से अगर लार्जेस्ट है then we have to replace this max from minus infinity to this value from the given array. So for loop से एक एक value को extract करते हैं। So first last value position extract करते हैं, that is record dot length minus 1. So record जो है हमारा array है, array में जो total length है that is 6 है और last position जो है that is 6 minus 1 that is 5 है। सो फॉर लूप मूव करते हैं यहाँ पे। फॉर लूप आई इक्वल टू 0 दैट इज योर फर्स्ट पोजिशन, देन आई लेस देन इक्वल टू लास्ट पोजिशन एंड आई प्लस प्लस एंड प्रिंट करते हैं कंसोल में। फर्स्ट पोजिशन प्रिंट करते हैं दैट इज आई, सो इट विल मूव फ्रॉम 0 टू 5। यस, बट वी डू नॉट रिक्वायर दिस 0 टू 5, वी रिक्वायर वैल्यू दैट इज रिकॉर्ड ऑफ। सो अगर आप चेक करोगे यहाँ पे, सो ऑल वैल्यूज आर अवेलेबल। नाउ वी हैव टू कंपेयर दिस वैल्यू विथ मैक्स। और अगर आपका जो वैल्यू है लेट्स से 10 अगर ये ग्रेटर देन माइनस इन्फिनिटी है देन वी हैव टू रिप्लेस दिस मैक्स बाय 10 इंस्टेड ऑफ माइनस इन्फिनिटी। सो कंपेरिजन ऑपरेटर यूज करते हैं। सो इफ रिकॉर्ड ऑफ आई इफ इट इज ग्रेटर देन मैक्स वैल्यू, तो हमें ये केस में क्या करना है, जो हमारा मैक्स वैल्यू है विच इज़ बाय डिफॉल्ट माइनस इन्फिनिटी, सो इंस्टेड ऑफ दैट आई नीड टू हैव रिकॉर्ड ऑफ आई इन मैक्स वैल्यू। सो आफ्टर फॉर लूप अगर आप यहाँ पे कंपेयर करोगे मैक्स वैल्यू, सो सी कैसे एग्जीक्यूट होगा। सो 10 फर्स्ट वैल्यू दैट इज 10, यू कैन से 10 जो है वो मैक्स वैल्यू से ग्रेटर है बिकॉज माइनस इन्फिनिटी इज वन ऑफ द लोएस्ट नंबर इन जावास्क्रिप्ट। सो 10 ग्रेटर देन माइनस इन्फिनिटी है, सो मैक्स वैल्यू इज इक्वल टू 10 हो गया आपका। नेक्स्ट जब आपका वैल्यू जनरेट होगा दैट इज 4। नाउ 4 इज ग्रेटर देन 10 दैट इज फॉल्स हो जाएगा, तो ये कंडीशन एग्जीक्यूट नहीं होगा। देन होगा 30, 30 जो है आपका ग्रेटर देन 10 है, यस, सो मैक्स वैल्यू हो गया आपका 30। नाउ इट विल बी ट्रू फॉर 45 एज वेल एज 90, सो 90 जो होगा आपका 45 से ग्रेटर होगा बट 5 जो है वो आपका 90 से ग्रेटर नहीं हो सकते। सो इफ यू सी जो मैक्स वैल्यू होगा ये केस में दैट विल बी 90। सो रन कर दे द फाइनल वैल्यू विच इज मैक्स वैल्यू दैट इज इक्वल टू 90। सो ये वन ऑफ द सिंपलेस्ट एग्जाम्पल है। इनकेस अगर आपके एरे में मल्टीपल वैल्यूज अवेलेबल है और अगर आपको इसमें से हाइएस्ट नंबर अगर आइडेंटिफाई करना हो तो आप ये फॉर्मूला यूज कर सकते हो। वेयर इन जावा स्क्रिप्ट देर आर टू एक्सट्रीम वैल्यूज अवेलेबल, वन इज माइनस इन्फिनिटी जो आपका लोएस्ट नंबर है एंड पॉजिटिव इन्फिनिटी दैट इज आपका हाईएस्ट नंबर है।
एंड यूजिंग दिस फॉर लूप एंड सिंपल आपका कंपैरिजन ऑपरेटर के थ्रू आपने यहाँ पे हाईएस्ट नंबर दैट इज मैक्सिमम नंबर को आपने यहाँ पे कैलकुलेट किया है. सो ये एग्जांपल वन ऑफ द इजिएस्ट एग्जांपल है एंड मे बी यूजफुल एज पर द रिक्वायरमेंट. सो इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस इन दिस एग्जांपल प्लीज आस्क. प्लीज लाइक दिस वीडियो. प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड शेयर इट टू अदर्स. थैंक यू वेरी मच.